વહીવટી તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું. બોટમાં કેપેસિટી કરતા વધારે પેસેન્જર ન બેસાડવા સ્પષ્ટ સૂચના. બરોડાની ઘટના બાદ ઓખા બેટ દ્વારકા વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટમાં કડક સૂચના સાથે કડક હાથે કામગીરી કરવા તંત્ર વ્યસ્ત બન્યું. જીએમબી દ્વારા આ માસમાં 19 જેટલી બોટો વિરુદ્ધ બસ પેસેન્જર બેસાડવા, લાઈફ જેકેટ વિના પેસેન્જર બેસાડવા મામલે બોટ માલિકો વિરુદ્ધ થઈ ચૂકી છે કાર્યવાહી. બેટ દ્વારકામાં તહેવારો સમય લાઈફ જેકેટ વિના ક્ષમતા કરતાં વધુ પેસેન્જર બોટમાં બેસાડવામાં આવતા હોય છે. બરોડામાં બનેલ બનાવ બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું અને દોડતું થયું. બોટ માલિકની કડક સૂચના સાથે નિયત કેપેસિટીમાં પેસેન્જર બેસાડવા કડક સૂચના. બ્યુરો રિપોર્ટ, લલિત શિંગડિયા, દેવભૂમિ દ્વારકા. कैसा सर है फ्रॉम जम्मू कश्मीर. हम जहाँ द्वारका देश घूमने आए थे तो आज सुबह हमने प्लान बनाया कि चलो बेट द्वारका चलते हैं, लेकिन हम 2 घंटे हमने लाइन में खड़े हैं जहाँ कोई नाव की व्यवस्था नहीं है. तो जिसके पास जाओ प्रशासन कहता है उसके पास जाओ, उसके पास तो आपकी नाव आई है तो आप खुद देखो उसकी हालत खस्ता हालत है. और जो लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट इतनी बुरी है कोई इसको टच करने का मन नहीं कर रहे थे तो डूबना चाहिए. लाइफ जैकेट पहन के क्या कर दिया हमने, सारे हमारे जो कपड़े हैं वो सारे खराब कर दिए. सरकारी हालत क्या बोल रही है आपको. मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है. हम जम्मू कश्मीर से द्वारकाधीश यहाँ घूमने के लिए आए हैं और आज हमारा जो तीसरा दिन है तो हमने सोचा कि चलो हम द्वारका पीठ जी हो हमें, ठीक है. तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये बोर्ड में हम बैठे हुए हैं और यहाँ की लाइफ जैकेट जो है जो इंसान को तैरने में मदद करती है उनकी ये हालत है कि कोई बंदा इनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है. आप देखिए और बैठने में कितनी यहाँ भीड़ है और प्रशासन का यहाँ पे कोई भी जो है योगदान नहीं है हमें. और ये जो इतनी दूर से यात्री लोग आ रहे हैं द्वारका पीठ में जाने के लिए और उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है. और आप माई सेल्फ राहुल मिश्रा, पोर्ट ऑफिसर रोखा पोर्ट. कल की घटना के बाद से लोगों में प्रश्न है कि ओखा और बेट के बीच में यात्रियों को सेफ्टी के लिए पूर्ता प्रमाण में चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं. इसके लिए मैं स्वयं स्थानिक रूप से यहाँ देखने के लिए आया हूँ. ऐसा भी आप भी देख सकते हैं कि कोई भी बोट बिना लाइफ जैकेट के नहीं जा रही है. पैसेंजर्स को, फेरी बोट एसोसिएशन को, फेरी बोट ओनर्स को, सबको बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले से ही कि आपको लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य है. तो लाइफ जैकेट ना पहने, अगर पैसेंजर्स को भी ये फैसिलिटी है, अगर आपको किसी बोट पर लाइफ जैकेट नहीं मिलती है या लाइफ जैकेट कंडीशन ठीक नहीं है तो आप उस बोट से उतर कर दूसरी बोट में सफ़र कर सकते हैं. कोई एक बोट में कंपलसरी जाना ये कंपलसरी नहीं है. सर, पिछले 10 दिन में क्या कार्रवाई हुई थी. पिछले 10 दिनों में हमने रेगुलरली हम लाइफ बोट लाइफ जैकेट्स को चेक करते रहते हैं, बाकी सुविधाएं जो हैं बोट में सेफ्टी को लेकर उनको चेक करते हैं. कुछ बोट्स में जिनमें लाइफ जैकेट की कंडीशन ठीक नहीं थी या लाइफ जैकेट पूर्ण प्रमाण में नहीं थी. नमस्ते नमस्ते, अमृत भाई पवार मारू नाम. कच्छ में थी सुशील शिशु शाला नील पर थी 95 बाळको लई अने प्रवास में आव्या छीए अमे. अने गईकालनी घटनाने लीधे एक सतत चिंता हती के होड़ी में बेसवू ए अद्भुत अनुभव होय छे, पण गईकालनी घटनाने संदर्भे अमने चिंता हती કે શું થશે. પણ અહીંયા આવ્યા પછી પ્રશાસનનું કામગીરી અને જીઆઈએફસીનું કામગીરી પણ એમના મિત્રો બધા ખડે પગે હતા. બધાને લાઈફ જેકેટ ફરજિયાત પહેરાવવાને હું સૂચન કરતા હતા અને બધા પહેરતા હતા. બેટ દ્વારકા ગયા ત્યાંથી રિટર્નમાં પણ એ જ પદ્ધતિથી અને કામગીરીથી પૂરો સંતોષ થયો છે અમને. ખરેખર ચિંતા હતી એમાંથી હળવાશ થઈ ગઈ છે. ખરેખર પ્રશાસનનું કામ ખૂબ સારું છે.